बताओ अपने चैनल पर जिलावन के पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले मेरी वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम वहाब है और आज मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल बजीज लव एंड केयर पर। और आज मैंने आपके साथ अपने केजीज की प्रोग्रेस आपके साथ कुछ शेयर करनी है और आपको कुछ ये भी बताना है कि कुछ जो मैंने चेंजेस किए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये ट्रिपल राउंड क्रस्ट का मेल है और इसके साथ मैंने रेड आइज़ की फ़ीमेल अब ये दोबारा रिसेंटली लगाई है क्योंकि इसके साथ जितनी भी पहले मैंने इसके साथ TCB की फ़ीमेल लगाई थी तो उसको बेचारी को नज़ला बहुत ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद मैंने इसके साथ एक और फीमेल लगाई उसको भी नज़ला हो गया था। अब मैंने इसके साथ रेड आइज़ किंग साइज़ की जो सी फीमेल है ये TCB की स्प्लिट है फीमेल जो सी है ना तो TCB की स्प्लिट है और रेड आइज़ किंग साइज़ की TCB की स्प्लिट रेड आइज़ किंग की फ़ीमेल थी और TCB का मेल है। इन दोनों की जो सी पट्टी निकली है ना बच्चा जो निकला उनकी वो उनका उसका पेयर मैंने इसके साथ लगाया है तो ये अब देखते हैं कि रिसेंटली अब क्या करता है। इसके अलावा मैं आपको एक पेयर और दिखाता हूँ नीचे। ये जो है ना ये किंग साइज़ अंडर साइज़ का मेल है और इसके साथ वो फीमेल अपाइड की फ़ीमेल है और इसने पिछले क्लच में भी 5 चिक्स निकाले और सबका साइज़ किंग साइज़ था। और अब ये देखें कि इसने भी मुझे लगता है ये एग्स पे बैठी हुई है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की कि एग्स की कि कितने एग्स नहीं है फीमेल। ये माशाल्लाह से अभी 4 eggs दिए हुए होपफुली ये जल्दी निकाल लेगी और लग भी सारे फर्टाइल ही रहेंगे क्योंकि इसने पहले क्लच में भी 5 eggs दिए और 5 के 5 chicks निकाले और इस दफ़ा में 4 इसके नीचे 4 eggs है। इसके अलावा हम इस साइड पे आ जाते हैं। ये एक छोटी सी केज कलोनी है। मेरे सारे इसमें रेड आइज और फैलो के मिक्सी पेयर लगे हुए हैं और इसके अलावा एक किंग साइज का पट्ठा है इसके किंग साइज़ क्रस्ट का पट्ठा है लेकिन वो स्प्लिट में निकला हुआ है तो लेकिन है वो डबल सेक्टर प्योर वाइट कलर का तो ये भी हमने पेयर लगाया था। अब मैं देखते हैं कि इसकी भी प्रोग्रेस देख ही ली जाए क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखी इसकी प्रोग्रेस तो चेक करते हैं। पहला है मुझे लग रहा है ये खाली है। अब एक और में जाते हैं वो दिखाता हूँ आपको। ये माशाल्लाह से फीमेल बैठी हुई है और एग भी लेइंग की हुई है। इसके नीचे मैंने कल चेक किया था तो इसके नीचे 4 eggs थे तो ये माशाल्लाह से रेड आइज़ की फ़ीमेल है और इसके साथ रेड आइज़ का मेल है। तो अब आगे भी देखते हैं एक तो केज आगे इसके नीचे क्या है इसके अंदर बैठी हुई है लेइंग करके और इसके भी ऑलमोस्ट 2 eggs हैं अभी तो देखते के भी क्या निकलता है आगे क्या करती है ये फीमेल। इसके साथ भी ये रेड आइज़ की फ़ीमेल है और इसके साथ भी रेड आइज़ का मेल है। ये छोटी सी कलोनी हुई रेड आइज़ की तो इसमें भी शुक्र है कि अच्छी तरह इनमें से एग्स आ गए। तो अब गाइस मैं आपको ये दिखाता हूँ घुमाता हूँ पीछे और ये मेरे अंडर साइज़ के पेयर है किंग साइज़ में तो इसके भी देखते हैं इसने भी इसकी भी फीमेल एग्स देकर लेइंग बैठी हुई थी। ये मेरा पेयर बहुत अच्छा है इसने 5 के 5 eggs देता है और 100% रिजल्ट 5 ही निकलता है। और ये देखते हैं कि इसके ये फीमेल बैठी हुई है एग्स पे ये फीमेल बहुत अच्छी तरह वो कवर करती है अपने एग्स को। मुझे कल आवाज़ तो आ रही थी मुझे लगता है एक चिक निकला हुआ। ये देखें नीचे एग्स 5 eggs हैं और 1 chick है इसके नीचे। कोशिश करता हूँ कि कुछ देखा है नज़र आ जाए। चलो ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं खैर कुछ नज़र आ ही जाए। वो नीचे एक चिक नज़र आ रहा है एक चिक है नहीं माशाल्लाह से 2 chick हैं नहीं 1 chick है और 7 आ गए हैं इसके। बाकी अब एक और केज की प्रोग्रेस दिखाता हूँ मैं आपको। उसमें डबल फैक्टर मेरे पास डबल राउंड क्रस्ट के पेयर है ब्लैक आइज में तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो उसके चिक्स निकले हुए हैं। ये देखिए गाइस
ये देखिए दो चिक ये हैं, ये इसका मेल बैठा हुआ है और बाकी दो चिक्स वो हैं, और फीमेल अंदर के मुझे लग रहा है कि देख बैठ गई है। और इसके साथ एक रेड है, इसका अच्छा था वो पता नहीं कहाँ गया है, वो मुझे लगता है यहीं कहीं पड़ा होगा। ये देख दो ये हैं, दो वो हैं और दो वो माशाल्लाह से इसने छः छः बच्चे निकाले हैं। तो ये थी मेरी प्रोग्रेस इसकी डबल राउंड क्रस्ट डबल फैक्टर की। इसके अलावा ऊपर एक पेयर है किंग साइज का, टीसीबी किंग का मेल है इसके साथ और टीसीबी रेडाइज और रेडाइज की फीमेल है। इसने माशाल्लाह से छः बच्चे निकाले हैं, दो जिसमें से वो हैं क्या कहते हैं इसे टीसीबी हैं, और बाकी जो से चार है ना चार रेडाइज के बच्चे हैं किंग साइज में। तो ये मुझे लगता है फीमेल इनकी बाल खींच रही है, प्लकिंग कर रही है, तो बस यही शुक्र ही करते हैं कि बस ये ना ही करे तो अच्छा है। तो ये मेरे टीसीबी और रेडाइज किंग की फीमेल की प्रोग्रेस थी। इसके अलावा मैं आपको अब अपने और जो केजीज है ना वो दिखाता हूँ। एग्जीबिशन का जो मैंने रिसेंटली बाय किया, इसके साथ पहले टप्टेड की फीमेल थी तो मैंने उसे वापस करा दी, मुझे लगा कि उसे सर्दी थी। तो लेकिन वो जो बंदा था ना वो कहता कि भैया आपने तो गलती कर दी है बेच के, क्योंकि ना जो वो फीमेल थी ना वो लेइंग पे थी और उसने एग दे दिया वहाँ पे जाती वापस, जिसको मैंने वापस दी तो वो बंदा जो ले गया। तो मैंने ना इसके अलावा मैंने इसके साथ एक फीमेल लेने की कोशिश की थी ग्रीन कलर की, लेकिन वो बेचारी मिल नहीं सकी क्योंकि वो बिक गया था पेयर जिस दिन मैं गया हूँ। तो फिर मैंने उसकी जगह मैंने करूणा की कनेरी ले ली। एक पेयर ये है, फिर ये पेयर दोबारा मैंने बनाया है रिसेंटली, क्योंकि इसने ना इसके साथ जो फीमेल लगाई थी उसने बहुत बुरा काम किया, वो बैठती थी एग देकर और उठती, तो जिससे मेरे चार के चार एग्स ख़राब हुए। डबल राउंड क्रस्ट फ्रिल बैक का मेल है, ट्रिपल राउंड क्रस्ट का मेल है और फ्रिल भी है इसमें थोड़ा सा। तो ये देखिए कि अभी रिसेंटली क्या निकलता है इसमें से। तो ये रेड आइज का पेयर लगाया है इसके साथ, तो ये पेयर ये है नीचे, ये किंग का मेल है और इसके साथ मैंने अब ये जो ऊपर मेल है ना उसके साथ की फीमेल लगाई है इसके साथ रेड आइज की। तो अब देखते हैं कि ये क्या करती है, बैठी तो हुई है। इसके साथ तो प्रॉब्लम ये है कि इस मेल के साथ जो जितनी भी फीमेल लगाई हैं उनकी एग बाइंडिंग हो गई है हर दफ़ा। तो गाइस ये थी मेरी छोटी सी प्रोग्रेस और ओवरव्यू ऑफ मेरा पूरे सेटअप का, क्योंकि अब मैं जल्दी ही सेटअप और बनाने लगा हूँ और कलोनी मैंने ख़त्म कर दी है क्योंकि मैंने सारे पट्ठे बेच दिए हैं क्योंकि उनमें बीमारी आ गई थी। तो मैं अब कोशिश यही करूँगा कि अब जल्द से जल्द अपनी कॉलोनी भी बनाऊँ। कॉलोनी में सिर्फ दो कुपेयर रह गए हैं, उनमें भी वो भी ब्रीड कर रहे हैं। तो जल्दी मैं आपको अब अपनी और प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा। इसके अलावा एक पेयर ये इसमें पड़ा हुआ है, ये टफ्ट की फीमेल है और टीसीबी का मेल है, इसके साथ पेयर बनाया गया है। ये देखें कि क्या करता है, इनको भी पहले जुकाम हो गए थे लेकिन अल्लाह का शुक्र अब मैंने इनको दवाई डाली है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो गाइस जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेट होकर आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूँ। अल्लाह हाफिज़, जल्दी मिलेंगे नए टॉपिक।